गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मानव रोग और उनके लक्षणों के वीडियो लेक्चर की दूसरा जो वीडियो है, दूसरी सीरीज में, जैसा कि कल मैंने कहा था कि कल मैं आपको विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दूंगा। इनमें कुछ रोग निम्नलिखित हैं जो आपको यहाँ बताए गए हैं। मैंने छोटी सी इनकी लिस्ट बनाई है, उसे आप देख लीजिए। अक्सर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और पूछेंगे इनमें विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो जैसे एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा, मेनिनजाइसिस, हर्पीस, ये सब रोग जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ये सब विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कई रोगों के पेशेंट्स को आपने देखा भी होगा। जैसे डेंगू ज्वर क्या है, डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं वो घटने लगती हैं। अब जब प्लेटलेट्स घटने लगती हैं तो धीरे धीरे जो मिनिमम लेंथ होती है 1.5 लाख, उससे नीचे जब आने लगती हैं तो हमें डेंगू के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसलिए छोटी माता, चेचक, ये सब तो आप लोगों ने इन सब के पेशेंट्स को आप लोगों ने देखा भी होगा। आगे पीलिया है, रेबीज है, रेबीज जानवरों के काटने से होता है। अब कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है, तो HIV जो एड्स होता है उसकी जांच कर किसके द्वारा होती है, एलिसा के द्वारा होती है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का संबंध किससे है, HIV संक्रमण की ये विशेष जांच होती है, मतलब सामान्य जांच जो होती है वो एलिसा होती है। और जब एलिसा से कन्फर्म नहीं हो पाता है, सीवियर कंडीशन में अगर एड्स है तो उसके लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। HIV 24 एंटीजन जो है, इसका उद्देश्य होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि एड्स की तीव्रता कितनी है, एड्स किस स्टेज पे है, इसके लिए हमें HIV 24 एंटीजन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि CD4 काउंट क्या होता है। CD4 काउंट एक टेस्ट होता है, इससे हम क्या करते हैं, जैसे हमें अपने अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जानकारी करनी है, तो अगर हम CD4 टेस्ट करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। अब आज इस समय जो तकनीक की व्यवस्था है, जिस तकनीक से हम पता करते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों को किस तरह से टेक्नोलॉजी से उनका इलाज किया जाए, तो उसे एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई थी, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी कब स्टार्ट की गई, तो 1 अप्रैल 2004 से स्टार्ट की गई थी। UPPCS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ART क्या है और ART सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, तो एजिडोथाइमिडीन औषधि का नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए कि एजिडोथाइमिडीन जो है ये वर्तमान समय में एड्स के रोगियों को दिया जाता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एडीज एजिप्टाई मच्छर जो होता है उसके काटने से डेंगू ज्वर होता है। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था, जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। इसके बाद पोलियो वायरस कितने प्रकार का होता है, तो पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है, मनुष्य है, मनुष्य इसका मुख्य स्रोत होता है। किस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, तो एडीस एजिप्टी के काटने से होता है। अब कुछ अनुवांशिक रोगों के बारे में हम बताएंगे आपको। इसमें कुछ मैंने लिस्टेड किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके हर एग्जाम्स में विकल्प में ये पूछे जाते हैं कि वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम है और पटाओ सिंड्रोम है। अक्सर क्या होता है कि आनुवंशिक रोग जो होते हैं ये गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होते हैं। अलग अलग नंबर के गुणसूत्र में कभी ना कभी डिस्टर्बेंस होता है या कोई ना कोई विकृति आती है, तो आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको आनुवंशिक रोगों को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि आनुवंशिक रोग क्या होते हैं और हर एक रोग का लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसका उपचार क्या है। इसके बाद लकवा, पक्षाघात, आपने अक्सर देखा होगा गांव में अक्सर होता है कि सामने वाले को पक्षाघात या लकवा हो गया,
तो लकवा का मुख्य कारण क्या होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो मस्तिष्क हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी धमनियाँ फट जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें लकवा हो गया। तो ब्रेन हैमरेज क्या होता है? हमारे जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसकी जो धमनियाँ हैं, ये फट जाती हैं। तो इससे हमें पक्षाघात या लकवा होता है। साइजोफ्रेनिया, ये एक तरह का भयभीत हो जाता है। इसका जो पेशेंट होता है वो हमेशा भयाक्रांत रहता है, डर जैसा बना रहता है। ये एक तरह का मानसिक रोग है। अगला क्वेश्चन है मिर्गी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, इसके पेशेंट अधिकायत आपने देखे होंगे कि अचानक क्या होता है, इन्हें बेहोशी होती है, इन्हें चक्कर आने लगते हैं और इनके हाथों पैरों में ऐंठन होती है। तो मिर्गी क्या होता है? मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण जब हमारे ब्रेन में कोई इंटरनल डिजीजेज हैं तो तभी ये रोग हमें होता है। अब बात आती है कैंसर की। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके आपको रोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं अलग अलग रोगों पे समय आने पर धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आप सब रोगों के बारे में विस्तृत जान सकेंगे। अभी आप क्वेश्चन वाइज समझिए कि आपके एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 महीनों में COVID-19 का संक्रमण घट रहा है, धीरे धीरे एग्ज़ाम्स की शुरुआत होगी, तो आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उन्हें अपनी तैयारियों को मजबूती देंगे। कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो कैंसर 4 प्रकार का होता है। अलग अलग सेल्स के द्वारा जो कैंसर होता है, इसी के कारण इसे 4 भागों में बांटा गया है। जो कार्सिनोमोनास सेल्स होती हैं, उनसे कार्सिनोमोनास, सार्कोमास, ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास, ये 4 तरह के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमोनास कैंसर की उत्पत्ति एपिथीलियल टिश्यू से, उपकला ऊतक से होती है। ल्यूकोमाइट्स क्या होता है? ल्यूकोमाइट्स में जब असामान्य वृद्धि होती है तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, कौन सा कैंसर होता है? ल्यूकीमियाज कैंसर हो जाता है। हमारी ल्यूकोमाइट्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं तो हमें वो, तो कौन सा कैंसर होता है उस पेशेंट को? ल्यूकीमियास होता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति में अस्थि कैंसर होता है? स्ट्रॉन्शियम-90। जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बढ़ने लगता है तो हमें बोन कैंसर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, तो कुछ समय बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको बताऊंगा। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया। ये कैडमियम के कारण होता है। और राष्ट्रीय, अब मैं कुछ कार्यक्रम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम 1962 में चलाया गया था। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में। फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 82 में चलाया गया, 1982 में। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? IAS में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1997-98 में। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 में। और वंदे मातरम योजना 2004 में। एक वीडियो बनेगा जब मैं एक GK का चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा, जो अभी योजनाएँ चल रही हैं और जो पहले से चली हैं, उनसे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक लोग इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।